students, today we will start with the leftover questions of 11.3. इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है 2πr से कैलकुलेट होता है एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आपका πr स्क्वायर से कैलकुलेट होता है. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10. फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, कि आपकी सर्कुलर कार्ड शीट है, ये आप देख सकते हो सर्कुलर कार्ड शीट है 14 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है टू सर्कल्स, ये जो दो छोटे छोटे सर्कल्स है जिनका रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, आर रिमूव्ड. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो आपने एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट निकालना है. एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बड़े सर्कल का एरिया निकाल देंगे क्योंकि आपको सर्कुलर कार्ड शीट का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से. नाउ रेडियस ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स, क्योंकि आपको उसकी रेडियस 3.5 दी हुई है तो टू का आप इकट्ठा निकाल देंगे 2 × π r² करके, तो 2 × आपका ये रेडियस आपकी 3.5 दी हुई है. तो ये आपका कैलकुलेशन के बाद दोनों सर्कल्स का जो रेडिया है 2πr² से आके 77 आ जाता है. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई थी, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो 3 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो सबसे बड़ा सर्कल हमारा आया था वो दो छोटे सर्कल्स का एरिया हमारा 77 है और ये रेक्टेंगल का एरिया, ये दोनों माइनस कर देंगे तो 536 हो जाएगा हमारा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर. अब आपकी एक स्क्वायर शीट है एल्यूमिनियम की इतनी बड़ी और उसमें से आपने एक सर्कल कट कर दिया है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर शीट, तो लेफ्ट ओवर शीट का एरिया क्या होगा. तो ऑब्वियसली हमारा जो सर्कल शेप में एल्यूमिनियम शीट है स्क्वायर शेप में, तो उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर जो सर्कल हमने कट किया है उसका एरिया निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे. तो सबसे पहले हमने रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर से आपका 12.56 आया. साइड ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट आपको दी हुई है और एरिया क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड करके 36. तो आप ये एल्यूमिनियम शीट में से ये सर्कल माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4. अगेन आपको सर्कमफेरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इक्वल टू वैल्यू. फार्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का, 2πr और आपका वैल्यू 31.4 है, तो ये 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई आएगा रेडियस, तो ये दोनों वैल्यूज हम इधर ला के शिफ्ट कर देंगे तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे. सबसे पहले बट हमने इसका डेसिमल चेंज कर दिया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गई यानी 100, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 यानी 10 आ गया, तो ये दोनों वैल्यूज इधर आके रेसिप्रोकल हो गए तो हमारा रेडियस जो है आ गया, तो रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया. नाउ एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमने अभी कैलकुलेट किया है 5 है, तो हमारा ये आंसर आ गया. तो ये पाई की वैल्यू हमने यहाँ 3.14 लिखी है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली कहा है कि पाई इज इक्वल टू 3.14, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कहा गया कि पाई की जगह आपने 3.14, अगर आपको कहा जाता है कि 3.14 स्पेशली क्वेश्चन में तो यू हैव टू टेक दिस वैल्यू, अदरवाइज टेक पाई एज 22/7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर फार बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर विड्थ, तो ये आप सर्कुलर फ्लावर बेड देख रहे हो तो इसके चारों तरफ जो है 4 मीटर वाइड यानी 4 मीटर चौड़ा जो है पाथ बनाया गया है. द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर कि 66 मीटर है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू दी पाथ, पाथ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एरिया क्या होगा सॉरी. तो अब आपने डायमीटर आपको दिया हुआ है 66 मीटर, तो आपने रेडियस निकाल लिया, हाफ हो गया उसका 33, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई अगेन 3.14 लेना है तो ये आपका आ गया. नाउ विड्थ ऑफ द पाथ आपको 4 मीटर दी हुई है, तो अब रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ, तो अब आपका ये 33 मीटर हो गया, ये वाली चीज़, अब आपका ये जो है यहाँ ये रेडियस है 33 हो गया, तो अगर हम ये रेडियस 33 लेते हैं और प्लस ये पाथ 4 मीटर लेते हैं तो 33 + 4 37 हो जाएगा रेडियस. अगर हम ये बड़ा सर्कल देखें तो उसका रेडियस आपका 37 हो जाएगा,
तो हमने यहाँ 37 कर दिया, 33 + 4, तो एरिया अब हमने बड़े सर्कल का एक तरह से काउंट किया है, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 42.98 आ गया। नाउ एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, ये बड़े सर्कल के एरिया में से अगर हम छोटे सर्कल का एरिया ये माइनस कर दें तो ये पाथ आ जाएगा, जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये आपका बड़े सर्कल का एरिया, ये छोटे सर्कल का एरिया, दोनों माइनस किया तो ये एरिया ऑफ द पाथ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 34 मीटर स्क्वायर, कि सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया आपका इतना दिया हुआ है। अगेन आपको एरिया दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और वैल्यू आपको ये गिवन है, तो ये हमने कर दिया 3.14, पाई की वैल्यू ये दी हुई है हमें, तो ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो गया, तो आर स्क्वायर आपका क्या आ गया, 100, आर स्क्वायर 100 आ गया, तो ये 100 को जो है 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 × 10 100 होता है, देयरफॉर रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 10 आ गया। अब क्या है कि अब इन्होंने कहा है कि स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ एन रेडियस ऑफ 12 मीटर, तो रेडियस 12 मीटर का कैलकुलेट कर सकता है स्प्रिंकलर, जो गार्डन में आपने लगाया वो 12 मीटर एरिया कैलकुलेट कर सकता है, रेडियस ऑफ 12 मीटर, बट हमारी रेडियस तो पार्क की है ही 10 है, तो इसका मतलब विल द स्प्रिंकल कवर वाटर द होल गार्डन, यस, क्योंकि हमारी जो सर्कुलर गार्डन है उसका रेडियस 10 है और स्प्रिंकलर जो है 12 मीटर एरिया में दे पा रहा है, रेडियस ऑफ 12 मीटर एरिया में, तो इसका मतलब है सर्कल के बाहर भी पानी गिर रहा है स्प्रिंकलर का, तो इसका मतलब एरिया ऑफ गार्डन तो कवर हो ही रहा है बट बाहर का एरिया भी कवर हो पा रहा है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन द फिगर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में है रेडियस फाइंड आउट करना। अब आपको क्लियर दिख रही है कि ये जो है आपकी आउटर सर्कल की रेडियस है, क्योंकि इनर सर्कल की रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक की है, सिर्फ यहाँ तक की, तो ये आउटर सर्कल की रेडियस दी हुई है पाई आर स्क्वायर से, आप इजीली 2 पाई आर से आप इसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, पर जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस सिर्फ ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे ये चीज़ 10 दी हुई है, इसका मतलब ये 10 है, तो अगर हम इस पूरे में से ये 10 माइनस कर दें तो छोटे सर्कल की रेडियस आ जाएगी हमारे पास, तो छोटे सर्कल की रेडियस जो होगी 19 माइनस ये 10 कर देंगे तो आपकी 9 आ गई, तो इससे के बाद हम सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पाई आर से दोनों का सर्कल कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, अब व्हील दिया हुआ है और व्हील का रेडियस क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, 352 मीटर पे आपका कितना उसे जानना पड़ेगा कि 352 मीटर जाने के लिए कितने टाइम्स व्हील को रोटेट करना पड़ेगा। अब टोटल अब आप देखो कि व्हील जो है व्हील आपका इस ऐसे सर्कल शेप में रोटेट करेगा और एक टाइम वो कितना रोटेट कर पाएगा जितना कि उसका सर्कमफेरेंस होगा, क्योंकि अब आप सर्कल को आप घुमाओगे तो ये एक घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचेगा और वो इतना ही एरिया कवर कर पाएगा जितना इसका सर्कमफेरेंस है। तो हम सबसे पहले सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो सर्कमफेरेंस जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 176 सेंटीमीटर आ गया। अब टोटल डिस्टेंस हमारा 352 मीटर है, हमारा जो सर्कमफेरेंस है वो हमारा सेंटीमीटर में है, तो टोटल डिस्टेंस को भी हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, 352 मीटर है तो इंटू 100 करके सेंटीमीटर आ गया। अब नंबर ऑफ रोटेशंस क्या है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 352 100 डिवाइडेड 176, ये सीधा 176 से 2 पे कैलकुलेट 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 200 ही आ गई, तो 200 इसका मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस यानी व्हील को जो है 200 टाइम्स ऐसे बार बार रोटेट करना पड़ेगा आपके 352 मीटर कवर करने के लिए। नाउ द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, कि 15 सेंटीमीटर है मिनट हैंड। अब आप मिनट हैंड क्लॉक जो है आपकी सर्कल शेप में है, मिनट हैंड आपका 15 मिनट
सेंटीमीटर है. हाउ फार डज द टॉप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन वन आर, कि वन आर में वो कितना मूव करेगा. तो वन आर में ऑब्वियसली उतना ही मूव करेगा जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा. तो डिस्टेंस कवर्ड बाई मिनट हैंड क्या है, सर्कमफेरेंस वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2πr. तो 2π की जगह 3.14, रेडियस आपको 15 दी है क्योंकि जो मिनट हैंड है वो आपका रेडियस का काम कर रहा है. तो 94.2 सेंटीमीटर उसे मूव करना पड़ेगा. थैंक यू.